आप देख सकते हैं फॉग कितना हो रहा है। अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। विजिबिलिटी मेरे हिसाब से 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी है। और सामने में हमारे मॉल है वी मार्ट, जो ठीक से नहीं दिख रहा है। बगल में होटल यूएस रेसिडेंसी है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए ठंड अपने पूरे चरम सीमा पे है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा है बंद, जहाँ ऑटो पहुँच गई है वहाँ से दिखाई देना बंद हो जा रहा है। 50 से 60 मीटर की विजिबिलिटी है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा ठंड का मज़ा लीजिए, ठंड अपने चरम सीमा पे है। पर जब आप गाड़ी या बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो अपने फॉग लाइट्स ऑन करके रखें, इंडिकेटर्स ऑन करके रखें। और क्योंकि खास करके हाईवे पे, शहर में तो लोग धीरे चलते हैं पर हाईवे पे गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि ऐसे ही दुनिया और भारत त्रस्त है कई और चीज़ों से, कोरोना से, पॉलिटिक्स से, और कई चीज़ों से त्रस्त है। तो गाड़ी देखिए ये फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रखा है ऑटो वाले ने, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम फॉग लाइट ना हो तो नॉर्मल लाइट्स ज़रूर ऑन करके रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी फैमिली का सेफ्टी के लिए। ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। ये आपको एक बार और मैं वी मार्ट दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। वी मार्ट है और बगल में होटल यूएस रेसिडेंसी है। मैं अभी अपने आउटलेट पे खड़ा हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं। ये देखिए नज़ारा, नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मज़ा भी आ रहा है। तो ठंड का मज़ा लीजिए सेफली, सुरक्षित तरीके से। धन्यवाद।